सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। क्या आप एक बेटर डेवलपर बनना चाहते हो पर कंफ्यूज हो कि अपने इस एम को कैसे अचीव करें और किस टेक्नोलॉजी को चूज करें? तो आप आंखें बंद करके एंगुलर को चूज कर सकते हैं, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप अपने इस डिसीजन से कम डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे। अब एंगुलर क्या है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल HTML प्रोजेक्ट और एंगुलर प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है, और हम इन सभी टेक्नोलॉजीज में से एंगुलर को ही चूज क्यों करें, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कोर्स में मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। इस वीडियो का मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, सो प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं UX ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू एंगुलर कोर्स को, और वो भी लेटेस्ट वर्जन के साथ, मतलब अपडेटेड वर्जन के साथ। इस कोर्स का मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा था बनाने के लिए, और अब जाके ये पॉसिबल हो पाया है। तो दोस्तों, ये कोर्स जो है वो बिगनर्स और इंटरमीडिएट दोनों के लिए रहेगा। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस टॉपिक तक जाएंगे, सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको इससे पहले एंगुलर, सिंगल पेज एप्लीकेशन वगैरह इन जैसे टॉपिक्स के बारे में अगर आपने सुना भी नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस कोर्स में सब साथ साथ सीखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट एंड व्हाई एंगुलर, एंगुलर क्या है और हम क्यों एंगुलर को यूज करें। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि एंगुलर इज मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क पावर्ड एंड मेंटेन बाय गूगल। इट इज हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग रिएक्टिव सिंगल पेज एप्लीकेशन SPAs यूजिंग HTML एंड TypeScript। तो मतलब एंगुलर एक बहुत ही पॉपुलर, पावरफुल और रिलायबल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो एंगुलर टीम और गूगल के द्वारा बनाया गया है, और इसका यूज हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SPA कहते हैं। तो एंगुलर क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को बना सकते हैं। वैसे हम बना तो नॉर्मल HTML, CSS, JavaScript के साथ भी सकते हैं, पर ऐसा हम करें क्यों जब एक काम को एंगुलर में बहुत इजी, कंसिस्टेंट और मेंटेनेबल वे में किया जा सकता है, तो हम नॉर्मल HTML और JavaScript क्यों यूज करें, एंगुलर ही क्यों ना यूज करें। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि एंगुलर भी JavaScript का ही फ्रेमवर्क है, ये पूरा TypeScript बेस है। अब ये TypeScript क्या है, तो TypeScript कुछ नहीं जस्ट JavaScript ही है, बट कुछ सुपर पावर्स के साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट को कुछ स्पेशल पावर दे दी जाए तो वो बन जाती है टाइपस्क्रिप्ट। तो इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट भी कहते हैं। जैसे टोनी स्टार को तो आप जानते ही होंगे, आयरन मैन। अब जैसे टोनी स्टार एक नॉर्मल मैन है, पर जब वो आयरन सूट पहन लेता है तो एक सुपरमैन बन जाता है, उसके पास सूट की पावर्स भी आ जाती हैं, पर अंदर से तो वो टोनी स्टार की है। तो वैसे ही टाइपस्क्रिप्ट इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट प्लस सुपर पावर्स। अब यार अभी के लिए इतना ही काफी है, बाद में सुपर पावर्स वगैरह ये सब क्या है ये बाद में बताता हूँ। अब हम बात करते हैं एंगुलर की वर्जन हिस्ट्री के बारे में। एंगुलर का इन्वेंशन 2010 में हुआ था, और इसका वेरी फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था एंगुलर JS के नाम से, जो कि एक कम्प्लीट जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड था। उसके बाद 2016 में एंगुलर का सेकेंड वर्जन रिलीज किया गया जो कि एक कम्प्लीट रीराइट था। तो मतलब एंगुलर JS एंगुलर के सेकंड वर्जन से कम्प्लीटली डिफरेंट था। एंगुलर JS जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड था जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, और एंगुलर का सेकंड वर्जन टाइपस्क्रिप्ट में बनाया गया था। तो उसकी वजह से टाइपस्क्रिप्ट के यूजफुल फीचर भी हमें एंगुलर के सेकंड वर्जन में मिल गए। उसके बाद जब एंगुलर के थर्ड वर्जन को लॉन्च करना था, एक्चुअली मेन रीजन ये था कि एंगुलर राउटर पैकेज वर्जन और कोर पैकेजेस में कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा था, इसलिए वर्जन 2 के बाद डायरेक्ट वर्जन 4 को लॉन्च किया गया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एंगुलर राउटर का वर्जन एंगुलर कोर कंपाइलर HTTP और कंपाइलर CLI से मिसमैच हो रहा था, इसलिए उस रिलीज को कैंसिल करके न्यू वर्जन पे काम स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर 2016 में एंगुलर के फोर्थ वर्जन को लॉन्च कर दिया गया। तो ऐसे ही टाइम टाइम पे एंगुलर के और आगे के वर्जन लॉन्च होते गए, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, कुछ कुछ थोड़े बहुत अपडेट और न्यू फीचर्स के साथ। तो ये है एंगुलर की हिस्ट्री। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजंस भी हैं कि हम एंगुलर को क्यों यूज करें।
तो सबसे पहला तो है कि इसकी कंपोनेंट बेस्ड यूआई, दूसरा है इसका मेंटेनेबल और स्केलेबल स्ट्रक्चर, और तीसरा है मॉड्यूलैरिटी। और इसके अलावा भी इसमें काफी फीचर्स हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या एंगुलर मुश्किल है, इज एंगुलर टफ टू लर्न? तो कुछ लोग समझते हैं एंगुलर बहुत मुश्किल होगी, तो मैं आपको बता दूं कि एंगुलर मुश्किल नहीं बल्कि बहुत इजी टेक्नोलॉजी है और इसके साथ में काफी इंटरेस्टिंग भी है। एक बार आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत इंजॉय करोगे उस काम को। तो एंगुलर मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अब दोस्तों बात करते हैं SPA की। अब SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि इसमें हम जो भी काम करते हैं, जितना भी कोड लिखते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं या फिर हमारी ऐप में जितने भी पेजेस होते हैं, वो सब एक ही सिंगल पेज में रेंडर होके आते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं google.com पे। मैं यहाँ लिखता हूँ एंगुलर। तो अब हमने सर्च किया है एंगुलर। तो हम क्या बात कर रहे थे, सिंगल पेज और मल्टी पेज एप्लीकेशन की। तो अब आप ऊपर यहाँ पे देखना, ये जो रिफ्रेश बटन है, रिलोड बटन, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो आपने देखा पेज जब भी रिलोड होता है तो ऊपर यहाँ पे एक लोडिंग बार घूमता है जो कि HTML पेजेस के रिलोड होने का नेचुरल बिहेवियर है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं ऑल टैब से जाता हूँ इमेजेस टैब पे। तो आपने ऊपर देखा, ऊपर आप ध्यान से देखना, यहाँ पे लोडिंग बार चलेगा जब भी हम कोई पेज चेंज करेंगे। मैं बुक्स वाले टैब पे जाता हूँ तो आपने देखा फिर टैब लोड हुआ, मतलब हमारा पूरा पेज रिलोड हुआ और एक नया पेज यहाँ पे ओपन हुआ है हमारे ब्राउजर में। तो ये होता है मल्टी पेज एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं सिंगल पेज क्या होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे ही चलता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं youtube.com पे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट में जितने भी लिंक्स हैं उन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर कोई पेज रिलोड नहीं हुआ, बट एक नया पेज भी ओपन हो गया, बट ये जो हमारा पेज था ये रीरेंडर नहीं हुआ, मतलब रिलोड नहीं हुआ। तो ये जितने भी पेज हम खोल रहे हैं वो सारे हमारे एक ही सिंगल पेज में आके हमें शो हो रहे हैं, यानी कि डिस्प्ले हो रहे हैं, और हमारा पेज यहाँ पे अभी तक रिलोड नहीं हुआ। क्योंकि अगर रिलोड होता तो इस टाइप से होता, आप ऊपर देखेंगे एक लोडिंग बार आपको दिखाई देता, पर जैसा आपने देखा मैंने यहाँ पे जिस भी पेज पे अब तक गया हूं अभी तक एक बार भी पेज रिलोड नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। वैसे इसके और बहुत सारे एग्जांपल हैं पर आपको समझाने के लिए अभी इतना ही काफी है। तो मैंने आपको दोनों के डेमो दिखा दिए। तो अब आपको पता चल गया होगा SPA एंड नॉन SPA डिफरेंस। तो जो SPA होती है यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, उसमें एक ही पेज होता है जो कि होता है index.html। हम जो भी ऐप में करते हैं वो सब एक ही पेज में रेंडर होके यूजर को शो होता है, तो बार बार डिफरेंट पेज लोड होने का जो टाइम है वो बच जाता है। जब भी हम पेज के किसी पार्ट को चेंज करते हैं तो वो उसी समय डिस्प्ले हो जाता है बिना पूरा पेज रिलोड हुए। और तो और जब हम कोई पेज भी चेंज करते हैं तो ऊपर URL बार में तो हमें URL चेंज होता दिखता है पर पेज रिलोड नहीं होता, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। तो जो पेज लोडेड है वही रहता है पर उसके अंदर का जो कंटेंट है वो चेंज हो जाता है और यूजर को ऐसा प्रतीत होता है कि वो दूसरे पेज पे आ चुका है। मीन्स JavaScript रन टाइम पे डोम को चेंज कर देती है, इसलिए हमें सब इंस्टेंटली शो हो जाता है विदाउट डिले। एंगुलर ऐप पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मोबाइल ऐप हो, सब कुछ बहुत इंस्टेंटली डिस्प्ले हो जाता है विदाउट पेज रिफ्रेश या रिलोड। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी prerequisite की, मतलब कि हमें एंगुलर को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, वट शुड वी नो बिफोर स्टार्ट एंगुलर। अब दोस्तों वैसे तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मेरा ये कोर्स देख रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। जो भी है हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे आप ऑटोमेटिकली सीखते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मतलब आप जैसे हो, आप सही हो, आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। पर फिर भी कुछ सो कॉल्ड प्रीरिक्विजिट मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसी चीजें या टर्म्स जो अगर आपको पहले से पता हो तो आपके लिए एक प्लस हो सकता है, वरना कोई टेंशन नहीं है, मैं बता ही दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक HTML और हल्की फुल्की CSS आनी चाहिए। और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरा एक कोर्स देख रहे हो तो आपको बेसिक HTML CSS वगैरह तो थोड़ा बहुत पता ही होगा।
और दूसरा है कि आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की अगर थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आपके लिए अच्छा है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसमें सीख जाएंगे। और इसके बाद npm और cli, तो ये भी कुछ खास मुश्किल नहीं है, तो डोंट वरी, अगर आपको पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। अब एक मैं आपको विशेष बात बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि एंगुलर के लेटेस्ट वर्जन पे काम करने के लिए एंगुलर 1 की भी नॉलेज होना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। एंगुलर 1 जो था वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज था, बट एंगुलर 2 के बाद जो वर्जन आए हैं वो एक कंप्लीट रीराइट है। तो एंगुलर 1 और एंगुलर 2 बिल्कुल ही जमीन और आसमान का डिफरेंस है इसमें, तो एंगुलर 1 की आपको कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ चीजें अगर आपको आती हैं वो अच्छा है, जैसे एरे मेथड्स, एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह, बट ये भी अगर आपको पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम इस कोर्स में सीख जाएंगे। तो ये कोर्स बेसिक टू एडवांस रहेगा, हम बेसिक से स्टार्ट करते करते एडवांस तक जाएंगे। दोस्तों इस कोर्स में मैं एक काम और करने वाला हूँ, और वो ये है कि आपको एवरी कंसेप्ट का एक लाइव एग्जांपल दिखाना। जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज को हमने सीख तो लिया पर इसको हम यूज कहाँ करेंगे। तो इस कोर्स में मैं जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि उसको आप एक रियल लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा उस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस का। तो मैं ट्राई करूंगा कि या तो आपको अपनी किसी प्रोडक्शन रेडी ऐप का क्विक लुक दिखा सकूं या आपको एक रियल यूज केस बना के दिखाऊं। तो अपने इस कोर्स में एवरी कंसेप्ट का लाइव एग्जांपल भी इंक्लूडेड होगा। तो दोस्तों ये था एंगुलर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसकी नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली एंगुलर को यूज करना स्टार्ट करेंगे। सो आप में से जिनके पास सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इस कोर्स में हम VS कोड का ही यूज करने वाले हैं। So, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX Trend को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।